आज मैं बनाने जा रही हूँ झारखंड स्पेशल धुस्का की रेसिपी। इसे हम आलू की सब्जी या फिर काले चने की सब्जी के साथ खाते हैं और ये वहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे बनाना भी आसान है और इसके टेस्ट के आगे सारे नाश्ते जो है वो फेल है। तो आप इस झारखंड स्पेशल नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। धुस्का बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में एक कप चावल ले लेंगे। कोई भी चावल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ा सा कम चने की दाल ले लें। तो यहाँ पे ये चने की दाल डाला मैंने। इसके बाद हम इसमें एक चौथाई कप उड़द की दाल ले लेंगे। उड़द की दाल इसमें ऑप्शनल है, लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल डाल दी मैंने। अब हम इन तीनों को मिला के पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल और दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे भिगो के रखना है 3 से 4 घंटे। आप चाहिए तो इसे रात भर भी पानी में भिगो के रख सकते हैं, उससे भी ये अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पे इसे ढक देती हूँ और 3 घंटे के लिए रख देती हूँ। 3 घंटे बाद यहाँ पे चावल दाल जो है वो अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसके बाद हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। जार में डालने के पहले पानी अच्छे से निकाल लें। तो यहाँ पे ये मैंने जितनी क्वांटिटी ली है ना, ये 2 बार में ब्लेंड होगी, 1 बार में नहीं होगी। तो ब्लेंड करने के लिए ना, इसके साथ हम थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। तो 3 हरी मिर्च और 4 इंच अदरक डाला है मैंने। थोड़ा सा पानी डाल दें। ध्यान रहे कि बैटर को बनाते वक्त हमें एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 2 बार पानी यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने 2 बार जितना पानी दिखाया था ना, उतना 2 बार पानी यूज़ किया है। और उसके बाद ये जो बैटर है वो बनके तैयार है। बैटर बनाते वक्त आपको और एक बात का ध्यान रखना होगा कि बैटर को बहुत ही फाइन आपको पेस्ट बनाना है, मतलब एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, थोड़ा भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो मिक्सर को बहुत ज़्यादा देर तक चलाना है आपको, मतलब लगातार नहीं चलाएं, थोड़ा थोड़ा रुक के, लेकिन ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करें इसे। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ चावल दाल है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें अदरक और हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बैटर को हमें मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पेस्ट भी बना लिया है। दोनों बैटर को बनाने में मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये बैटर डाल दिया मैंने। आप देख सकते हैं कि बैटर की जो थिकनेस है वो ऐसी होनी चाहिए। अब हमें इस बैटर को 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखना है। फर्मेंट होने के लिए हम इसमें सोडा या फिर कोई भी बेकिंग पाउडर वगैरह नहीं डालेंगे, बस इसे ऐसे ही ढक के छोड़ दें। उससे बैटर और भी स्मूथ हो जाएगा और धुस्का जो है वो और भी अच्छा बनेगा। तो इसे हम फर्मेंट होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देते हैं अलग। और तब तक हम क्या करते हैं कि आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में 2 चम्मच तेल डाला मैंने। तेल में हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 से 2 हरी मिर्च ऐसे चीरा लगा के डाल दें। और इसके बाद 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। मैंने प्याज के ऐसे स्लाइसेस किए हैं, आप चाहिए तो बारीक काट सकते हैं। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही प्याज लहसुन अदरक पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर ऐसे काट के लिया है। आप चाहिए तो इस सब्ज़ी को बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं, बस अदरक हरी मिर्च को ऐसे फ़ौरन में दे दें और उसके बाद टमाटर को पहले पका लें, उसके बाद आलू और मसाले डालें। तो पहले हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक डाल देंगे। आप चाहिए तो इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर हमने यूज़ किया है तो आमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। मसालों को हल्का सा भून लें टमाटर के साथ। इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे 2 भागों में काट लिया है। मिला दें इसे, आलू ज़्यादा बारीक नहीं काटे। जैसे ही आलू मसालों में अच्छे से मिल जाएगा हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे आलू को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो इतनी सब्जी के लिए 1.5 कप पानी यूज़ करें। अगर आप ग्लास यूज़ करें तो 1.5 गिलास पानी यूज़ करें। तो यहाँ पे ये 1.5 कप पानी डाल दिया मैंने। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें और इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करना है और मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी आने तक पकाएं। 5 से ज़्यादा सीटी नहीं लगाएं। तो यहाँ पे ये 4थी सीटी लगी और ये 5वीं। बस हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा हो जाने देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर खुद से ठंडा हो जाएगा हम इसे सावधानी से खोलेंगे और ये हमारी आलू की सब्जी जो है वो बनके तैयार है। लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं सर्व करना है, इसे हमें थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेना है आलू को। आलू को हमें थोड़ा सा मैश करना है, इसलिए मैंने बड़े आलू रखे थे। तो ये हो गई कचौरी वाली सब्जी या फिर भंडारे वाले आलू की सब्जी। ये देखिए, ये जैसे ही ठंडा होगा ना तो इसकी ग्रेवी और भी ठीक होगी। तो सब्जी तो हमने यहाँ पे बना ली है, अब हम चलते हैं धुस्का के प्रोसेस में।
2 घंटे बाद जैसे ही बैटर फूल जाएगा हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, ये इसमें ऑप्शनल है, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दें, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हम इसमें हींग डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और लास्ट में 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। इसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहिए तो इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से ऐसे फेंट लें तो ये हमारा बैटर जो है वो बनके तैयार है, ये अच्छे से फर्मेंट हो गया है। बैटर जितना ज़्यादा अच्छे से फर्मेंट होगा ना धुसका जो है वो उतने ही अच्छे फूलेंगे, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बैटर हमारा रेडी है, गैस ऑन करके मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा है। तो तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा ऐसे बैटर की 2-3 बूंद इसमें डालें, जब ये ऊपर तैरने लगे मतलब तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म है। तो बैटर को कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बड़ा चम्मच या फिर ऐसे सर्विंग स्पून ले लें और इसके बाद एक ही जगह पे इसे ऐसे एक ही तार में गिराना है। ये आप देख सकते हैं इधर उधर नहीं फैलाएं, एक ही जगह सेंटर पे एक तार में ऐसे गिराना होता है ना, ये आप देखिए ऐसे डालना है। बैटर को तेल में डालते ही इसके ऊपर हम ऐसे गर्म तेल डालेंगे ताकि ऊपर की लेयर जो है वो सेट हो जाए। धुसका को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे ही नीचे की लेयर जो अच्छे से सेट हो जाएगी ना तो आप इसे हल्का सा प्रेस करें तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे छन्नी से हल्का हल्का प्रेस करें, ये देखिए फूल गया ना पहला वाला, तो दूसरा वाला भी ऐसे हल्के हाथों प्रेस करें, और नहीं फूल रहा है तो आप इसे पलट दें और पलट के प्रेस करें तो ये फूल जाएगा। तो यहाँ पे इसे पकाने में थोड़ा सा समय लगेगा, नॉर्मल पूरी वगैरह जो है ना वो फटाक से निकल जाती है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा समय से पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें कच्चा दाल और चावल यूज़ किया है। तो अच्छे से पकाएंगे तो ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा 2 धुसका जो है वो बनके तैयार है। ये देखिए इसके ऊपर ब्राउन लेयर दिखने लगी है, तो इसे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है तो हम इसे निकाल लेंगे। तो आप चाहिए तो इसे पेपर किचन टॉवल पे निकालें या फिर ऐसे स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब मैं वापस आपको एक बार और दिखाती हूँ कि बैटर को कैसे डालना है। ये देखिए एक ही तार में इसे ऐसे डालें, जैसे ही बैटर आप तेल में डालेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा, और जैसे ही वो अच्छे से सेट हो जाएगा ना वो खुद ही ऊपर आके तैरने लगेगा। बस आपको क्या करना है कि छन्नी से इसके ऊपर ऐसे तेल डालना है, और जैसे ही ऊपर की लेयर अच्छे से सेट हो जाएगी आप इसे हल्के हाथों प्रेस करें, और उसके बाद पलट के हल्का हल्का प्रेस करके फुला लें इसे। अगर आपका धुसका नहीं फूल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ है। तो आप गैस को बंद कर दें और बैटर को और 1 घंटे के लिए रख दें। ध्यान रहे कि धुसका बनाते वक्त आपको इसमें सोडा बिल्कुल नहीं ऐड करना है। अगर आपने इसमें सोडा ऐड कर दिया तो ये सारे फट जाएंगे और तेल में ऐसे फैल जाएंगे। तो जो सोडा है ना वो इसमें नहीं यूज़ करना है, इसे ऐसे ही फर्मेंट होने देना है। धुसका बनाते वक्त बैटर में सोडा या फिर इनो कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं डालना है। इसे आप ऐसे ही फर्मेंट करें और उसके बाद फ्राई करें तो ये ऐसे ही बलून जैसे फूलेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी धुसका जो है वो बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। धुसका की जो साइज़ है वो आप इतनी ही बड़ी रखिए तो ये ज़्यादा अच्छे से फूलेंगे। तो ये हमारे धुसका बनके तैयार है। अब हम चलते हैं प्लेटिंग के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए जो हमने आलू की मज़ेदार सब्जी बनाई है ना वो इसके साथ ऐसे रख दें। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ हम क्या करेंगे कि जो हमने धुसका बनाया वो रख देंगे। तो ये झारखंड का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, नाश्ते में बनाया जाता है, नाश्ते में लोग इसे खाना पसंद करते हैं, और इस नाश्ते के आगे सारे नाश्ते फेल है। यहाँ पे मैंने थोड़ा से प्याज में लाल मिर्च और नींबू नमक डाल के रख दिया है ताकि और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये हमारा झारखंड स्पेशल धुसका और आलू की सब्जी की रेसिपी रेडी हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैं एक धुसका आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो हमने इसमें जो दाल यूज़ किया है ना, हींग यूज़ किया है, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए एकदम सही तरीके से बनाएंगे तो आपका धुसका एकदम ऐसे परफेक्ट बनेगा। तो आप इस धुसका की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।